ये मैंने पानदान कहाँ रख दिया, याद ही नहीं आ रहा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। एक तो ये बुढ़ापे ने मुझे आजिज करके रख दिया, इसको कमबख्त को बुढ़ापे को मैं कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ? याद ही नहीं है कहाँ रख दिया पानदान। अरे भाई क्या नाम है, अनीना? अरे ईमान बात तो सुनो बेटा मेरी, कहाँ रह गई ये दोनों की दोनों? क्या हुआ दादी जान? अरे दादी जान के बच्चे इधर आओ, मैं तुम्हें यहाँ बुला रही, तुम वहाँ चली जा रही हो, बात तो सुनो मेरी। जी ये कह रही हूँ कि बेटा जरा मेरा पानदान देख लो, मुझे नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ है पानदान। मुझे क्या पता दादी जान, आपके पास ही तो होता है। बेटा तुम देख दो, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है दादी। देखो तो जरा कैसी जुबान चलने लगी है, क्या हो गया तुम्हें? तुमसे तो कुछ कहना ही फजूल है। तो बुला लेना अपनी लाडली को। ईमान अरे कितनी जुबान चलने लगी है तुम्हारी, ससुराल जाओगी ना तो वहाँ ये तुम्हारे टोर नहीं चलेंगे। ईमान ईमान दादी आप फिक्र ना करें, मैं अपने मिजाज के हिसाब से अपना ससुराल भी देख लूंगी। जिसके अपने ही मिजाज ना मिलते हैं उनके ससुराल के तो दो हाथ आगे होंगे मिजाज। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दादी, बल्कि ऐसा करते ना इसका कॉलेज छुड़वा कर इसको घर संभालने की ट्रेनिंग दिलवाते हैं पहले। सही कह रही हूँ, बिल्कुल तुम ठीक कह रही। अरे मैंने कहा दरअसल पानदान नेहरा ढूंढो, लेकिन इसका दिमाग तो सातवें आसमान पे होता है। अलीना अब तुम आ गई हो ना ईमान, तुम ही ढूंढो पानदान, मैं तो जा रही हूँ। अल्लाह मियां इस लड़की को समझे। ए मेरा बच्चा तुम ही देख दो ना कहीं मेरे पानदान को पैर तो नहीं लग गए, मैं तो ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। दादी ये रहा आपका पानदान। अरे बेटा माफ करना, बुढ़ापा ऐसा आ गया कमबख्त के उम्र के साथ साथ आंखें भी कमजोर हो गई। देखो तो जरा यहाँ पड़ा हुआ पानदान मुझे नजर नहीं आ रहा था। दादी मैं फारिस को बुला कर लाती हूँ। फारिस यहाँ नहीं है भाई। क्यों कहाँ गया? अरे भाई मुझे क्या पता कहाँ गया, सुबह से इस घर में शोक का माहौल बना रखा है उसने। इस घर में ये लड़का तो मखमल में टाट का पेबंद है, लेकिन क्या करें बर्दाश्त तो करना है ना। फारिस नहीं आया अभी। आता ही होगा, मैं तो भूल ही गई थी अम्मी, आज अंकल आंटी की बरसी है। फारिस भी तो हर बात दिल में दबा के बैठ जाता है, जरा सा याद ही दिला देता। हाँ अगर याद दिला देता तो हम कुरान खानी करवा लेते। शायद इस गम में वो ये सब कुछ भूल जाता। हाँ लेकिन मैं उसे इस दुख में अकेला तो नहीं छोड़ सकती। आज अगर जमशेद और भाभी होते तो मैं देख के कितना खुश होता। अपनों से बढ़कर ख्याल रखा है आपने मेरा चाचा, कभी मुझे किसी रिश्ते की कमी महसूस ना हो इसकी पूरी कोशिश की है, वरना अम्मी अब्बू के बाद पता नहीं क्या होता मेरा। सच कहूं तो बहुत बड़ा एहसान है आपका मुझ पे। एहसान नहीं बेटा, मोहब्बत है, हमने तुम्हें पाला है,
तुम हमारे बेटे हो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपकी मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आई, मैं मानता हूँ इस बात को। ये हर दूसरे दिन यही एक ड्रामा लगाकर क्यों बैठ जाते हो तुम? मेरी बात सुनो इधर, 15 बरस हो गए तुम्हें इस घर में, हमने कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी नहीं ना? तो फिर क्या ये तुम लड़कियों की तरह रो धोके ना सबको जज्बाती कर देते हो? हद होती है किसी के एहसान फरामोशी की भी। दादी जान। चुप रहो दादी जान, दादी जान। खामखा के लिए इसकी साइड लेती रहती बेकार की। मुझे देर हो रही है चाचा, फिर मैं चलता हूँ दुकान पे। खुदा हाफिज़। फारिस, फारिस रुको। इस तरह रूठ कर जाओगे? रूठा तो नहीं मैं। मुझे पता है तुम दादी की बातों से हर्ट हुए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। देखो जबान की कड़वी जरूर है लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, अब तक इतना तो जान गए हो ना उनको। किस किस के लिए माफी मांगोगी मुझसे? दादी के लिए, पुप्पो के लिए। इनके कड़वे लहजे और तलख बातों की आदत हो चुकी है मुझे, मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। आज इसके माँ बाप की बरसी है, दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे, लेकिन ये वाकया 15 साल पहले हुआ था। जब से तुमने इसे अपने बेटे की तरह रखा है ये क्या कुछ कम है? बेटे की तरह नहीं, वो हमारा बेटा है। हमारे खानदान को पोता नसीब नहीं हुआ और इसके वालदैन भी मर गए थे, ये तो इत्तेफाक था, वरना मैं कभी भी किसी पराई औलाद को अपने घर में नहीं पालने देती। अम्मा, फारिस ने खुद को हमेशा इस घर का फर्ज साबित किया है, दुकान संभालकर मेरा बोझ उठा रखा है उसने। बस ठीक है भाई, तुम उसकी एहसान मंदी तले दबते रहो। अल्लाह जाने उसने दुकान संभाली हुई है या उस पर नजर रखी हुई है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना सर, पराई चीज को कभी अपना ना समझना, पराई चीज हमेशा पराई ही रहती है। तुमने फारस को अपना बेटा समझा ना, लेकिन वो तुम्हारा सगा बेटा नहीं है, ये हमेशा याद रखना, समझे? भूलना नहीं। दादी जो भी कहे तुम हमारे अपने हो, मेरे अपने हो। तुम जानती हो अभी तक मुझ में जो हौसला बाकी है उसकी वजह क्या है? क्या? तुम। लिशबा, ओ लड़की तैयार हो गई कि नहीं? अभी आ गई अम्मी। जा जाके देख भाई उठा है कि नहीं। अम्मी आपको पता है जिब्रान भाई की सुबह 12 बजे से पहले नहीं होती। हाय हाय, मैंने तो अजहर को कह दिया था कि आज जिब्रान दुकान पे आएगा। क्यों? क्यों ना, क्यों का क्या मतलब है? कल को जिब्रान नहीं बैठे है ना जाके उस दुकान में, तो अभी से क्यों नहीं? जिब्रान भाई और दुकान पे बैठेंगे, उसकी क्या जरूरत? फारिस है ना, इतनी अच्छी तरह से तो दुकान को संभाल रहा है। मतलब जिब्रान भाई क्यों दुकान पे बैठ के अपनी शान खराब करें? ए! भाई के सामने इस तरह की बेतुकी बात करना भी ना। इसी दुकान से चलता है हमारा घर, समझी? तुम सबका मुस्तकबिल वाबस्ता है इसी दुकान से, और कोई कमी नहीं आनी मेरे बेटे की शान में अगर दुकान पे बैठ जाएगा तो, समझी? शहजादा है, शहजादा ही रहेगा। हाँ देखा नहीं कैसे सारी बिरादरी आगे पीछे फिरती है कि किसी की बेटी उठा लूं मैं। सब यही चाहते हैं किसी तरह रिश्ता हो जाए मेरे जिब्रान से उनकी बेटियों का। मेरी प्यारी अम्मी जान, वो इसलिए क्योंकि बिरादरी में लड़के कम है।
मैं तो बहुत सोच समझ के अपने बेटे का रिश्ता करने वाली हूँ। हाँ, इसमें सोच विचार की क्या जरूरत। पहली बात तो बिरादरी में गिनती की अच्छी लड़कियां हैं, और दूसरी बात जब वक्त आएगा ना, आप अपने आप ईमान के घर जाएंगी और उसे बहू बना के ले आएंगी। ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। आपके शहजादे बेटे का तो पूरा इरादा है। अच्छा बकवास मत कर, जा 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 के भाई को उठा। भाई 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 उठ जाएं। क्या है अनुष्का? उठे क्यों सुबह सुबह तंग कर रही हो मुझे? अच्छा मेरा क्या, सोते रहे। मैं तो बस ये बताने आई थी कि आपका बुलावा आया है होने वाले ससुराल से। ससुराल? कौन सा बुलावा आ गया मेरे किसी ससुराल से इतनी सुबह सुबह? हसन मामू और कौन? यार अलिश्बा, मेरा नहीं दिल करता रोज रोज दुकान पे जाने का यार। लेकिन अम्मी हजूर का तो यही दिल है, और आखिर आप उस दुकान के आधे मालिक हैं। सही कह रही हो तुम, जाना तो चाहिए। चलो आज से जाना शुरू करते हूँ। अच्छा नहीं नहीं, लेकिन आपको तो दुकान पे बैठना अच्छा नहीं लगता ना? और ठीक बात है, ग्रेजुएशन के बाद अच्छा थोड़ी लगता है कि आप दुकान वुकान पे बैठे। मतलब कोई स्टैंडर्ड है? आप मेरी बात माने तो कोई जॉब ढूंढ लें। दुकान तो फारिस ठीक ठाक संभाल रहा है ना? फारिस नौकर है वो, तो मैं अपनी दुकान को नौकरों पे नहीं छोड़ सकता। अजर मामू ने उसे अपना बेटा बना के पाला है। बेटा बना के पाला? पीछे हटो। बेटा बना के पाला है? चादर। बेटा बना के पाला है, लेकिन पालने का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपना हो। वो गैर था, है और रहेगा हमेशा। अच्छा अच्छा ठीक है, मगर ये बात किसी के सामने नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगता ना? बुरा लग सकता है अजर मामू को भी और फारिस को भी। तुम्हें लगता है मैं किसी से डरता हूँ? मुझे किसी का डर नहीं है, सच्ची बात बोलता हूँ। किसी को बुरा लगता है तो लगे मेरी बला से। फारिस क्या समझता अपने आप को, अकड़े के खत्म नहीं होती। क्या क्या बोल रही हो? कुछ भी नहीं, मैं अम्मी बुला रही है, जल्दी से आ जाए। वहां 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 जाओ। वे 8 मिस्ड कॉल्स। अम्मी दादी क्यों करती हैं ऐसा फारिस के साथ? अरे बेटा उनकी तो आदत है। हाँ लेकिन बुरा लगता है ना अम्मी, फारिस इतना अच्छा है, इतना शरीफ है, फरमा बरदार है, उसने तो कभी दादी से बदतमीजी नहीं की, और बल्कि उनकी तो बातें सुन लेता है फिर भी कुछ नहीं कहता वो। अब तुम्हारी दादी को कौन समझाए, उन्हें तो बस इसी बात की तकलीफ है कि वो गैर है। तो उस वक्त बोलना चाहिए था ना अम्मी, जब उस वक्त कुछ नहीं बोला, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर अब बोलने का फायदा? अरे बेटा उस वक्त हमारी शादी को 6 साल हो गए थे, हम औलाद से महरूम थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा शोर नहीं मचाया, कुछ नहीं कहा, उनकी तो आदत है। नाश्ता भी नहीं किया उसने आज। अरे उसने दुकान पे कोई चाय या बिस्किट शायद ले लिए होंगे ना बेटा? शायद ना अम्मी। अच्छा खाना तैयार हो गया अम्मी? बस 10 मिनट। अम्मी मैं दे आऊं? उसने नाश्ता नहीं किया ना, वो खाना जल्दी खा लेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं कोई मदद कर दूं आपकी? अच्छा वो लंच बॉक्स मुझे पकड़ा दो।
सलाम बाजी। शर्म कर रजिया, शर्म कर। 3 दिन बाद आ गई तुझे बाजी की याद? अस्सलाम वालेकुम बाजी। ऐसी बात नहीं है बाजी, तबीयत खराब हो गई थी, 3 दिन अस्पताल में रहकर आ रही हूँ। अभी तो तेरे कोई दिन नहीं है ऐसे तबीयत खराब होने वाले। अभी से अगर तबीयतें खराब हो रही हैं तो आखिर में क्या अजाब दिखाएगी हमें? नहीं बाजी, अब तो कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है बाजी मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है। 2 महीने से ऊपर मेरी खुशी रहती ही नहीं है। मैं तुझे अपने शाह साहब का पता दूंगी, उनके पास जा। उनके यहाँ से कोई मायूस नहीं आता, ऐसा तावीज देंगे तुझे। ठीक है बाजी, आप मुझे जगह बता दो, मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ अभी बता दूंगी, लेकिन जम के इलाज कराना, जैसा कहें वैसा ही करना, बाल बराबर भी फर्क ना करना। देख लेना, इंशाल्लाह पहली औलाद ही बेटा होगा। अच्छा, ओ तुम हो। सलाम अलैकुम। हाँ क्या लाए हो भाई? ये वो चिकन कढ़ाई के सूट है। हाँ देखा, मैं कह रही थी पूरी मार्केट भरी पड़ी है चिकन कढ़ाई के जोड़ों से। नहीं थे तो तुम्हारी ही दुकान पे नहीं थे बस। जी ऑर्डर दिया हुआ तो उन लोगों ने भेजने में जरा देर कर दी। रहने दो, बातें हैं बातें। अजहर ने पैसे भेजे? जी पकड़। रुको, गिनने में टाइम लगेगा मुझे, और पूरे गिने बगैर भेज नहीं सकती तुम्हें। हाँ ठहर जाओ। जल्दी क्यों जा रहे हो? जहाँ इज्जत ना हो वहाँ आना नहीं चाहिए, और मुझे अगर काम नहीं होता तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता। मैं तो तुम्हारी इज्जत करती हूँ ना, मेरी खातिर ही रुक जाया करो। मुझे तुमसे तो कोई गिला नहीं, बल्कि मुझे किसी से भी कोई गिला नहीं। जब तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा भाई मुझे पसंद ही नहीं करता तो वो ऐसे ही बात करेंगे ना मुझसे। भाई और अम्मी के रवैये को बहुत शर्मिंदा। तुम क्यों शर्मिंदा हो? तुम तो हमेशा प्यार से बात करती हो मुझसे, और वैसे भी चची चचा अलीना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए काफी है वो। और सुनो, तुम ऐसे मुझे दरवाजे पे छोड़ने मत आया करो, किसी दिन तुम्हारे भाई ने देख लिया तो बिला वजह तमाशा करेगा वो। जी मुझे जरा लाल रंग में शिफॉन के दुपट्टे दिखा दें। जी बेहतर, ले लीजिए। ये नहीं, अनार वाला लाल रंग चाहिए। अच्छा जी, ये अच्छा छोड़े, कोई और अच्छा सा रंग दिखा दें। कोई और अच्छा सा? जी आपकी आंखों जैसा। हाँ इतना खूबसूरत रंग नहीं है हमारे पास कोई। फारिस
तुम यहाँ खवातीन से ऐसे बात करते हो? सब खवातीन से नहीं, सिर्फ अपनी ईमान से। झूठ। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी आवाज पहचान ली थी मैंने। अच्छा। हजार आवाजें आ रही हो ना मुझे, उनमें से एक आवाज तुम्हारी हो तो भी पहचान सकता हूँ। अरे ईमान बेटा, तुम? जी वो अबू शिफॉन के दुपट्टे देखने आई थी। अच्छा, तो फोन कर देती तुम? फारिस रात को सारे कलर्स ले आता। जी वो मैं चाचा, वो मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा, पसंद आए ना आए तो खुद आएगी, देख के ले जाएगी तुम। हाँ वो, और फिर मैं आ रही थी तो अम्मी ने लंच भी भिजवा दिया आप लोगों के लिए। ये काम बहुत अच्छा किया तुमने, फारिस सुबह नाश्ता भी नहीं करके आया। फारिस जल्दी खाना लगाओ, ठंडा हो जाएगा, जल्दी करो। और अबू एक और बात भी करनी थी आपसे, वो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी जाना है अभी? अबू एक्चुअली एग्जाम्स होने वाले हैं ना, तो मुझे एक दोस्त से नोट्स लेने हैं, और मैं बस में चली जाती हूँ लेकिन वो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आप फारिस से कहें ना वो मुझे छोड़ आए। हाँ हाँ भाई, छोड़ आएगा तुम्हें। चाचा मैं? हाँ जी ठीक है, खाना खा लूँ? हाँ, दो मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। अच्छा, मुझे आज जरूरी जाना है यूनिवर्सिटी, फिर आगे खा लूंगा। नहीं नहीं नहीं, खाना खा लो, जल्दी करो वरना जीना हराम कर देगी तुम्हारा। जी चाचा। अम्मा, अम्मा कहाँ रह गई यार, चाय चाहिए मुझे, देर हो रही है, फिर मुझे डांटोगी। चाय ला देना, फिर चाय नहीं मिलेगी, लेट पहुंचूंगा तो मामू भी डांटेंगे और आप भी डांटेंगी। चाय? अरे वाह, इतनी जल्दी? माहम, तुम क्यों चाय लेकर आई हो मेरे लिए? आप कहो कि सर आंखों पे। रात को मैंने तुम्हारे लिए बहुत मजे की खीर बनाई थी, लेकिन देर हो गई इसलिए अभी लेकर आई हूँ। खीर? खीर किस खुशी में? किसी खुशी में भी नहीं, तुम्हें पसंद है ना, बस इसलिए। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी नई मूवी आई है, देखने चले? नई मूवी? हाँ। नहीं यार, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। हाँ, मैं कब से इस मूवी का वेट कर रही थी और तुमने कहा था कि तुम मुझे लेकर जाओगे। मैंने कहा था? कहा था बल्कि वादा किया था, प्लीज चलो ना जिब्रान, प्लीज। अच्छा लेकिन तुम एक काम करो ना, मेरे पास बेहतर आइडिया है, तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाओ, बोर नहीं होगी। मेरे साथ जाओगी ना, बोर हो जाओगी। मेरी कोई फ्रेंड इतनी अच्छी नहीं है जिसके साथ मैं मूवी देखने चलूं। और चलो ना प्लीज, मैं तुमने मुझसे कहा था, पता है कसम से बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं। हाँ सुनो मैम, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे अभी दुकान पर जाना है। तुम्हारा दुकान पर क्या काम? मामू को अपनी ये खूबसूरत शक्ल दिखानी। अच्छा ठीक है, वापसी में ये प्यारी सी शक्ल दिखा देना। अभी चलो ना प्लीज। अच्छा टिकट के पैसे भी ना मैं दे दूंगी। ओ चीप। अच्छा ठीक है, चल पड़ते हैं। कंजूस। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम तैयार तो हो जाओ ना। क्या हुआ मुझे, ठीक तो हूँ। जाओ यार, जाकर तैयार होके आओ, मेरी मार्केट में कोई रिस्पेक्ट है, तैयार होके आओ वरना मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मैं ना चेंज करके आती हूँ, तब तक तुम चाय पी लो। हाँ ठीक है, चेंज करके आ जाओ। वैसे इमान मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जो तुम यूं चाचा से झूठ बोल के आई हो ना। फारिस अब बस भी कर दो यार, अकेले मिलने का मौका कब मिलता है ना, ऐसे बहाने करके जाना पड़ता है ना। और बाय द वे ये तुम्हारे हिस्से का काम था जो मैंने किया है, फिर भी ऐसे मुंह लटका के बैठे। मेरा ये मतलब नहीं है, मैं अभी तो साथ है ना, अभी तो एंजॉय कर लो प्लीज, मूड ऑफ मत करो ना। वैसे एक दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है मुझे, जिस दिन मैं इस काबिल बन जाऊं चाचा से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। घर में सब तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हें कुछ भी साबित करने या कुछ बनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आज भी अब्बू से मेरा हाथ मांगोगे ना तो तुम्हें इनकार नहीं करते।
बरादरी सिस्टम है हमारा, उसके होते हुए भी तुम इतने यकीन से कह रही हो, भैरत की बात है। तुम भी तो हमारे खानदान का ही हिस्सा हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो ईमान, चचा ने मुझे बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाला है। लेकिन यार ये भी बात सच है कि सगा बेटा तो नहीं हूं ना उनका। और तुम्हें ये सब जितना आसान लग रहा है इतना आसान है नहीं है। मैं इस तरह नहीं सोचती। ठीक है तुम हमारे खानदान का हिस्सा नहीं, मगर तुम्हें तो अपने अब्बू ने अपना बेटा बनाकर पाला है ना, तुम तो बेटे हो उनके, इसलिए तुम्हारा भी इस खानदान में वही मुकाम है जो किसी भी और शख्स का। लग रहा है ऐसा ही हो जैसा तुम सोचती हो। क्या हुआ अब यहाँ पे क्या है? मुझे फुट्टा लेना है। उफ, मेरे खुदा, तुम जानती हो माहम तुम बहुत भूखी हो, पता है तुम्हें? वहाँ तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं, अब एक भुट्टे पे शोर कर रहे हो। अच्छा अब जल्दी जाओ और जाकर जो लेना है लेकर आओ, जल्दी जाओ। कंजूस कंजूस। अच्छा तुम्हारे ले लूं? मेरी माँ जल्दी जाओ और जाकर जो लेके आना ले आ, प्लीज। जिब्रान चेंज है तुम्हारे पास? किसे देख रहे हो? ईमान और फारिस। तो? मुझे गुस्सा आ रहा है। वो उस फारिस के साथ क्यों फिर रही है यहाँ पर? हाँ तो ऐसा क्या है, हम दोनों पे तो साथ घूमते हैं। हाँ लेकिन हम में और उसमें फर्क है, तुम मेरी कजन हो, मेरे साथ फिर सकती हो, लेकिन फारिस ईमान का कजन नहीं है। अच्छा नहीं लगता इस सड़कों पे उसके साथ फिरना। उसका उसके भाइयों की तरह है। अच्छी तरह जानता हूँ कितना भाइयों की तरह है। तुमने अपना वो भुट्टा भुट्टा लिया है कि नहीं? नहीं उसके पास चेंज नहीं है। है तुम्हारे पास? मेरे पास कोई चेंज नहीं है, जाओ इसको वापस करो और लेके आना तो ले आओ, मुझे नहीं खाना है। भैया रखो चेंज नहीं है। कहाँ गई थी, इतनी देर हो गई? बताया तो था आपको कि जिब्रान के साथ मूवी देखने गई थी। मैंने कितनी दफा मना किया है तुम्हें कि जिब्रान के साथ नहीं जाया करो, अगर जिब्रान के दिल में कुछ होता ना तुम्हारे लिए तो। अम्मी आप जिब्रान के दिल की छोड़िए, मुझे पता है वो मुझे ही पसंद करता है। हाँ कभी इजहार नहीं किया। अम्मी ऐसा करें ना, वो मानी से खुद बात कर लें। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मैं लड़की की माँ होते हुए उनसे खुद बात कर लूं? तौबा। अम्मी दकियानूसी बातें बंद करें, वो मानी के बेशक नखरे होंगे लेकिन जिब्रान की भी यही मर्जी है। हो सकता है लेकिन फजीला को अपने बेटे पे बड़ा गुरूर है, और क्यों ना हो, खानदान में बेटियों के अलावा किसी के पास है भी क्या। हाँ अगर मुमारी जान को गरूर है तो ये गलत भी तो नहीं है ना। कुछ भी है लेकिन मैं मुंह फाड़ कर तुम्हारे लिए उनसे रिश्ता नहीं मांग सकती। फजीला का दिमाग तो सातवें आसमान पर रहता है, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करती। तुम खुद उसके कान में ये बात डालो। अम्मी बैठे,
पूरे खानदान में जिब्रान की दोस्ती सिर्फ मुझसे है। इस बात से तो अंदाजा लगा लेना चाहिए कि मुमानी आपको इनकार नहीं करेगी, और अगर कर भी दिया तो जिब्रान नहीं करने देगा। अस्सलाम वालेकुम मामू। अरे जिब्रान कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने तो जल्दी आना था, आपा बता रही थी कि तुम जल्दी आने वाले थे, इतनी देर कर दी। जी जी बिल्कुल, जल्दी तो आने वाला था लेकिन इतने काम थे मामू, सारा दिन उनमें फंसा रहा। अभी फ्री हुआ हूँ तो मैंने कहा फौरन दुकान पे चलूं। चलो खैर कोई बात नहीं, कल आ जाना। जी मैं जरा शटर। अरे अरे मामू क्या कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, ये लड़के कहाँ हैं? आज सब के सब जल्दी चले गए, वो वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, शुरू से यही काम किया है। देखे मामू वो पुरानी बातें हैं, अब आपका वो लेवल नहीं है कि आप शटर बंद करेंगे। ये वैसे फारिस किधर है आज? फारिस कह रहा था कि जरूरी काम है उसे। जरूरी काम? उसको कौन सा जरूरी काम आ गया भाई? पता नहीं यूनिवर्सिटी जाने का कह रहा था। ओ अच्छा मामू, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता आप फारिस पे इस तरह भरोसा करते हैं, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। नहीं नहीं बेटा, फारिस बहुत जिम्मेदार लड़का है। और क्या जिम्मेदारी मामू? जिम्मेदारी तो आजकल किसी को भी पैसे देके खरीदी जा सकती है, और वैसे भी वो कौन सा फ्री में काम कर रहा है आपका? आपके घर में रहता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, रिहायश है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ तो दिया हुआ है आपने उसको, और क्या चाहिए? लेकिन इसी बात से मेरा दिल तो मुतमईन नहीं होता। देखिए मामू, बरादरी में कल को बातें हुई ना तो मुझे तो कम से कम अच्छा नहीं लगेगा, और मैं तो रिएक्ट भी कर दूँ, बता रहा हूँ आपको। आगे आपकी मर्जी है, निकलता हूँ, देर बहुत हो गई है। कल सुबह को जल्दी आ जाऊँगा। खुदा हाफिज़ मामू। अस्सलामु अलैकुम अम्मा। आए हाय, इधर तो आ मेरी बच्ची, इधर तो आ मेरी जान। वालेकुम अस्सलाम, इतने दिनों बाद चक्कर लगाए बेटा। क्या करें अम्मा, घर के काम फुर्सत ही नहीं होने देते, और यहाँ किसने याद किया है मुझे समझ में नहीं आता मेरी। आखिर आपकी बहू को किस बात का गुरूर है? घर गृहस्थी तो सबके साथ लगी है भाई, इसका क्या बहाना है? अरे बेटा, जब बीवी की हर हिमाकत पर शौहर शह देगा ना तो बीवी का दिमाग ख़राब नहीं होगा तो और क्या होगा बताओ। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया मेरे भाई को, अजहर तो ऐसे मानता है इसकी जैसे पता नहीं कौन से खजाने खोल दिए इसने उसके लिए। नस्ल तक तो ख़त्म कर दी हमारी, एक नहीं मान के दी किसी की, और अजहर ने भी खूब उस वक़्त बीवी की हाँ में हाँ मिलाई। पराए लड़के को अपना के खुद को भी धोखा दे रहे हैं और हमें भी हाथ धो गए। चलो ये उस वक्त की कहानी थी, हमें भी तरस आ गया अकलौते भाई भाभी पे। लेकिन अब अगर अजहर उसे मेरे जिब्रान के मुकाबले पे लाके खड़ा करेगा ना तो बड़ी भूल करेगा। हाँ ले पालक में और सगे में फर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम आपा, आपका भाई। अस्सलाम। चलो भाई तुमने भी खैरियत पूछ ली हमारी। अब ऐसी भी बात नहीं है आपा, मैंने कब आपको अहमियत नहीं दी? लो भूल गई, कितना कहा था तुम्हें कि इलाज करवा लो, एक बेटा दे दो हमारे खानदान को, पर तुमने एक नहीं सुनी, फिर इस लड़के को उठा के ले आई। कहा भी था इतनी अहमियत मत दो उसे, वो भी नहीं मानी, और अब तो उसे रखने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब इसके अम्मा बाबा मरे थे तो बच्चा था, रख लिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जवान हो गया है, और फिर हमारे घर की बच्चियां भी जवान हो रही हैं। बेहतर यही है कि इसे घर से चलता करो, और उसको समझा दो कि कहीं और ठिकाना भी देख ले और अपनी नौकरी का भी बंदोबस्त कर ले। अच्छा तो है अम्मा, इतना शरीफ, इतना तमीज़दार, और जवान भी और गैर भी, ये भी तो कहो ना। आपा वो हमारा बेटा है, हमने उसे पाला है, और किसी को एतराज करने का कोई हक नहीं है। देख रही अम्मा, आज भी वो ही हठधर्मी है इसकी, बहस पे बहस किए जा रही है एक ले पालक के लिए, जब हाथ दिखाएगा ना वो तब पता चलेगा।
अल्लाह ना करे हमें उस पे भरोसा है, और वैसे भी अल्लाह ने हमें बेटा नहीं दिया, फारिस की शक्ल में हमें तोहफा मिल गया। देखो बीबी, उस वक्त तरस आ गया था हमें तुम पे, औलाद के लिए तुम तरसी हुई थी, तो हमने तुम्हें कहा कि ले लो। याद है ना, अलीना के बाद डॉक्टरों ने तुम्हें कह दिया था कि तुम्हारे पास अब कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन मेरे पीर साहब कहते थे कि एक बार ले आओ उसे, सब अच्छा हो जाएगा, पर ना, तुमने नहीं मानी। माफ कीजिएगा आपा, मुझे इन पीरों फकीरों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ना मानो भाई, दो लड़कियां पैदा करके तुम अगर समझ रही हो कि बड़ा तीर मार लिया है तुमने, ये बताओ इन्हें ब्याह दोगी तो बुढ़ापे में कौन संभालेगा तुम्हें? ऐसे बाजी तो मैंने मारी है अम्मा, इस खानदान को लड़का सिर्फ मैंने दिया है, मेरे जिब्रान के मुकाबले में कोई नहीं है। अल्लाह मेरे नवासे की उम्र दराज करे। वैसे बेटा, मेरा दिल भी बड़ा ही दुखता है कि मेरे घर की तो नस्ल ही खत्म हो गई। छोड़े अम्मा, मैं करूंगी ना अब अपने जिब्रान की शादी, तो आप देखना कैसे लोग नस्ल दर नस्ल याद रखेंगे। रिश्तों की लाइनें लगी हैं, सब आगे पीछे घूमती हैं मेरे। उस दिन शफक की माँ आई थी अपनी मंजली वाली का कहने के लिए। क्या हो गया तुम्हें, उसकी तो तीनों बेटियाँ जिब्रान से बड़ी हैं। हाँ तो मैंने कौन सी हाँ कर दी, टकासा जवाब दे दिया मैंने। चलो ये अच्छा किया, कम अज कम आसरे में तो नहीं रहेंगे। लेकिन अम्मा, अब मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जिब्रान के सर पर सेहरा देखूँ। इंशाल्लाह ज़रूर देखूँगी, मेरी भी यही ख्वाहिश है बेटा, मगर एक बात कह दूँ, बहू ज़रा सोच समझ कर लाना। मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। अच्छा सुनो फजीला, अजहर से ईमान के लिए बात कर लो। हैं?